नमस्कार दोस्तों, आए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त ललित। तो थोड़ा लाइट का डिफेक्ट आ रहा है, और ये जो है मेरा दोस्त है सलीम, जो कि मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बहुत ही एक करीबी दोस्त जो होता है वो ही करीबी दोस्त है। मेरा हर प्रॉब्लम में इसे ही सोल्यूशन होता है, क्योंकि मेरा दोस्त है बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाता है, हर चीज़ बताता है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डेकोरेशन किया जाता है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं कि डेकोरेशन किस तरीके से हुआ है। देखिए, ये जो मेरा पीछे जितना भी लाइट का डेकोरेशन किया गया है सभी मेरा खुद का लाइट है, और सभी शादी विवाह और जितना भी फंक्शन होता है सभी में हम खुद से ही अपना लाइटिंग देते हैं। और देखिए मेरा लाइट का डेकोरेशन, तो चलिए इसे हम आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से लाइट का डेकोरेशन किया जाता है और क्या क्या डेकोरेशन है आज के इस वीडियो में। आज एक शादी है, शादी में मेरा खुद का लाइट का डेकोरेशन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त कुछ बोले, तो चलिए हम आपको दोस्त को माइक देते हैं। माइक पर मेरे दोस्त ज़रूर कुछ बोलेगा कि चलिए आज भैया मेरा दोस्त कुछ बोलने के मूड में आज नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, अगर हो सके तो मेरे दोस्त के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं डेकोरेशन क्या किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, ये था कुछ ऐसा डेकोरेशन, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह से कुछ होता है। तो हम रोड साइड में भी हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा फील्ड थोड़ा सा रोड साइड में चल रहा है, तो आप लोग इसमें पिक्सल लाइट का गेट भी देख सकते हैं और बिल्डिंग में लगा हुआ जो कि मेरा बिल्डिंग में लगा हुआ जो लाइट है इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। रोड साइड का जो हमने पट्टा यूज़ किया है इसमें, तो हमने इसमें टोटल जो है 24 पट्टे यूज़ किए हैं। और साइड में आप देख सकते हैं कि अम्ब्रेला लाइट भी है लगा हुआ, और उसके साथ दो पेड़ भी लगा हुआ है। तो दोस्तों हम अभी थोड़ा रोड साइड में है, जानते हैं कि रोड साइड में थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा सभी चलता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग का सहायता से चलता है दोस्तों ये चैनल, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहायता से ही चलता है एशियन डी सी बाई ललित चैनल। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पिक्सल का जो पूरा पट्टा का जो वर्क है, पूरा पट्टा का वर्क आप अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों। और उसके साथ जो पिक्सल का गेट है, गेट को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा गेट, थोड़ा सा जूम किया हुआ है, लेकिन हम बहुत ही दूर में है, लगभग 40 से 50 फीट दूर में है, इसीलिए थोड़ा आपसे फोटो थोड़ा सा क्लियर देख रहे हैं। देखिए ये है पूरा क्लियर जहाँ पे मेरा पट्टा लाइट चल रहा है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा लिखा जाके, मतलब थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क इसमें किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि किस तरीके से जल रहा है और क्या का इफेक्ट चल रहा है इसमें, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इसके बाद। तो ये है दोस्तों पिक्सल का जो बिल्डिंग वर्क होता है वो इस तरीके से लगता है, देखिए आप लोग ध्यान से। तो अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोगों का सहायता रहता है तो इससे अच्छा अच्छा वीडियो हम ज़रूर अपलोड करेंगे, आप लोग बस साथ बने रहें। इसी तरीके से देखिए बिल्डिंग का पूरा वर्क हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बिल्डिंग में जो लगा हुआ पिक्सल है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रहा है। और नीचे जो है हम जो राइस से जो थंबनेल बनाए हुए हैं, मतलब पिलर जो बना हुआ है, उसके बाद लाइटिंग जो पेड़ है, जो लाइटिंग का पेड़ बना हुआ रहता है, जिसके इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है लाइटिंग पेड़ के ऊपर, तो आप लोग लाइटिंग पेड़ को देख लीजिएगा। और अम्ब्रेला लाइट जो है उसको भी हम यूज़ किए हैं इस डेकोरेशन में। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है इस डेकोरेशन को देखने में, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पिक्सल वर्क अपना कर रहा है पिक्सल लाइट, और सभी चीज़ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो देखिए तो चलिए हम आपको थोड़ा सा और भी करीब से दिखाते हैं।
तो ये है पिक्सल का गेट दोस्तों, देखिए पिक्सल का गेट का वर्क। और पिक्सल का सभी डिजाइन आप अच्छी तरीके से देखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।